Hello students, good morning. How are you all? Did you have your breakfast? Breakfast kiya aapne? Or this is now your study time. I am your English teacher for class 1. Kal humne aapko bahut achhi si story sunayi thi na, Taylor aur uske friend ki. Taylor ka naam Kalu tha aur uske friend kaun tha? अपू इवेंट और वो नदी के किनारे टेलर की शॉप थी। तो अपू रोज आता था और सब दुकान वाले उसको कुछ ना कुछ खिलाते पिलाते थे। ऐसे ही टेलर भी उसको रोज़ कुछ ना कुछ खिलाता था, कभी केला, कभी रोटी, कभी कुछ भी खाने पीने को देता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, कालू का दिमाग ख़राब हो गया टेलर का और उसने उसको अप्पू के सूंड में सुई चुबा दी, जिससे कि अप्पू बहुत गुस्सा हुआ और वो दर्द में चला गया। उसको बहुत दर्द हो रहा था। दो दिन के बाद क्या हुआ कि अप्पू आया और नदी का मट्टी वाला पानी अपनी सूंड में भर के लाया और उसने अपनी गुस्से में उसकी दुकान में जितने कपड़े थे और अप्पू के ऊपर गंदा वाला पानी, मिट्टी वाला डाल दिया, जिससे कि दुकान के सारे कपड़े ख़राब हो गए। तो अप्पू उसके बाद गुस्सा हुआ और उसने बोला एन एलिफेंट नेवर फॉरगेट्स। तो एलिफेंट ने बोला कि तुमने अपना काम किया, लेकिन हम तुम्हारी गलती भूल नहीं सकते। लेकिन फिर उसके बाद कालू को बहुत दुख हुआ और उसने कहा, आई एम सॉरी अप्पू, लेट अस बी फ्रेंड्स अगेन, से दोस्त बन जाते हैं। तो कालू ने अप्पू को गले से लगा लिया। तो आइए, हमने स्टोरी आपको कल सुनाई थी, आज इसलिए रिवाइज किया कि उसके आज हम लोग क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी, आपने इससे क्या सीखा इस स्टोरी से, कि हमें सबसे प्यार करना चाहिए लेकिन जानवरों से भी प्यार करना चाहिए। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि वो बेजान जानवर हैं, वो बोल नहीं सकते तो हम उनको तकलीफ़ दे दें। कई बच्चे होते हैं जैसे किसी चिड़िया को ईंटा मारते हैं, कभी कुत्ते को, कभी गाय को, कभी किसी भी जानवर को तंग करते हैं, तो नहीं करना चाहिए ना। वो बोलता तो नहीं है लेकिन उसको भी तो तकलीफ़ होती है ना, तो ये सोचना चाहिए कि आपको कोई तकलीफ़ पहुँचाए तो आपको कैसा लगेगा। इसलिए हमें कभी किसी को भी तंग नहीं करना चाहिए, सबको प्यार करना चाहिए। फिर हम लोगों ने न्यू वर्ड्स हमने आपको बताए थे, फ्रेंड मतलब दोस्त, पेन मतलब दर्द, शॉप मतलब दुकान, टेलर मतलब दर्जी जो कपड़ा सीता है, ट्रिक मतलब चालाकी से किसी को तंग करना, वेट मतलब गीला। द टेलर हैड अ शॉप, टेलर से हमने सेंटेंस बनाया है। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, फ्रेंड्स से आपने सेंटेंस बना लिया, या आप I have many friends कह सकते हो, लिख सकते हो राम इज़ माई फ्रेंड, शीला इज़ माई फ्रेंड, लता इज़ माई फ्रेंड, फ्रेंड से सेंटेंस बन गया। ठीक है, अब आज हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे रिवाइज। Who was कालू, कालू कौन था बताइए, कालू कौन था? कालू was a tailor. Who was अप्पू, अप्पू was an elephant. Where was कालू shop, कालू की शॉप नदी के किनारे थी। कालू शॉप वॉज नियर द रिवर। वॉट ट्रिक डिड कालू प्ले ऑन अप्पू, कालू ने क्या ट्रिक प्ले थी? वन डे कालू प्रिक्ड अ नीडल इन अप्पूज ट्रंक, ट्रंक मतलब उसकी सूंड में। हाउ डिड कालूज क्लोथ्स बिकम वेट, कैसे गीले हुए कपड़े? वेन अप्पू वॉज इन पेन ही वॉज एंग्री एंड देन कालू सॉरी अप्पू ब्रॉट मडी वाटर फ्रॉम द रिवर एंड थ्रू इट ऑन द क्लोथ्स सो दे बिकेम वेट। मतलब नदी के किनारे से मट्टी वाला पानी कालू नहीं अप्पू अपनी सूंड में भर के लाया और कालू के दुकान में कपड़ों पर डाल दिया, जिससे कि कपड़े गीले हो गए। अब इसमें ये लिखा है लेट अस टॉक, व्हाट डू यू डू, कह दो आई, जैसे तुम स्टूडेंट हो तो कह दो आई स्टडी।
व्हेन समवन ट्रबल्स यू, मतलब आप क्या करते हैं जब आपको कोई ट्रबल करता है, हैं? तो व्हेन समवन ट्रबल्स यू मतलब आपको कोई तंग करता है तो आप क्या करते हो, तो आप मम्मी से शिकायत करते हो या उसको मार देते हो आप भी। व्हेन यू आर एंग्री फिर आप क्या करते हो, जब आप एंग्री होते हो तो आप भी दूसरे के साथ वैसा ही करते हो। व्हेन यू डोंट वांट टू शेयर, जब आप कोई चीज़ किसी से शेयर नहीं करना चाहते हो तो उसको आप मना कर देते हो। व्हेन समवन आस्क यू फॉर अ पेंसिल, आपको देना चाहिए ना, हैं? यस, आपको हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई आपसे पेंसिल मांगता है तो आपको भी देना चाहिए, क्योंकि कभी मान लीजिए अगर आप पेंसिल नहीं लाएं तो आपका फ्रेंड आपको हेल्प करेगा ना। सो यू शुड ऑलवेज लर्न टू हेल्प। व्हाट गेम्स डू यू लाइक टू प्ले विथ योर फ्रेंड्स, आप कौन सा गेम खेलते हो अपने फ्रेंड्स के साथ? तो कह दो इंटरवल में वी प्ले गेम्स, वी रन, वी प्ले क्रिकेट, है ना, वी प्ले बैडमिंटन। कैन यू वॉक एंड मेक साउंड्स लाइक एन एलिफेंट, तो और ट्रम्पट की तरह बोलता है वो, नहीं आप कह सकते नो आई कांट, है ना, ओ करके भी बोल सकते हो। द टेलर हैड अ शॉप नियर द रिवर, अब टेलर की जो शॉप थी वो रिवर के पास थी। अब क्वेश्चन है वेयर इज योर हाउस, आपका आंसर क्या होना चाहिए? माई हाउस इज नियर, तो आप लिख दो माई हाउस इज नियर द स्कूल, माई हाउस इज नियर अ शॉप, आपके घर के पास क्या है उसको आप लिख दो। मेक सम मोर सेंटेंसेस लाइक द अबव बिगिनिंग विथ माई स्कूल, अब इनसे आपको कंप्लीट करने सेंटेंस, तो आप लिखो माई स्कूल इज नियर अ होटल, माई फ्रेंड्स हाउस इज नियर अ हाउस, नियर अ ट्री कह दो, नियर अ बैंक लिख दो। द वेल इज इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, द एलिफेंट इज नियर द रिवर लिख दो, द एरोप्लेन इज ऑन द एयरपोर्ट, माई बुक इज इन माई बैग, जैसे आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, कंप्लीट करना है। तो ये एक्सरसाइजेस हम लोगों ने रिवाइज करी है, कल हम लोग इसी को एक्सरसाइज को करेंगे, ठीक है।